अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट रीडिंग। लास्ट टाइम हमने मटेरियल यूनिट नंबर 6 उसका पेज नंबर 53 का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। हमारे पास चैप्टर नंबर है 6, उसका नेम है मटेरियल्स। मटेरियल्स का मीनिंग मैंने क्या लास्ट टाइम लिखवाया था? मवाद। अब हम करेंगे उसकी नेक्स्ट रीडिंग। क्लास, आपने जो ऊपर अल्फाज के मायने लिखे हुए हैं, जो वर्ड्स मीनिंग लिखे हुए हैं, ये आपने ऐसे ही अपनी बुक पे नोट डाउन कर लेने हैं और फिर उसके बाद इनको याद भी करना है। अब हम बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल्स। ठीक है क्लास, प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है? खसूसियात। हमारे पास मटीरियल्स की क्या खसूसियात हैं, मटीरियल्स कैसे हम लोग एक मटेरियल को दूसरी एक जगह पे यूज़ करते हैं और कहीं पे उसको यूज़ नहीं कर सकते। सबसे पहले देखें, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मटीरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ डैट मेक देम सूटेबल फॉर डिफरेंट यूजेस। क्या मतलब है इसका कि मटेरियल्स की मुख्तलिफ खसूसियात होती हैं, यानी कि कोई मटेरियल प्लास्टिक के होते हैं, कुछ मेटल के होते हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के जो चीज़ें मिलकर बनती हैं वो क्या करती हैं, वो उनको सूटेबल बनाती हैं फॉर डिफरेंट यूज़। क्या मतलब है कि हम उनको मुख्तलिफ जगह पर इस्तेमाल कर सकें। ठीक है क्लास, सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी है मटीरियल्स की ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक मटीरियल्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है? ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? शफाफ। और ओपेक का मतलब क्या होता है? गैर शफाफ। ठीक है, और ऊपर हमने जो वर्ड सूटेबल पढ़ा था, इसका क्या मीनिंग होता है? मौजू के सूटेबल होना। ठीक है, अब हमारे पास ट्रांसपेरेंट का मीनिंग क्या है? शफाफ। और ओपेक का मतलब क्या है? गैर शफाफ। इसका क्या मतलब है कि ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स हमारे पास वो मटीरियल्स होते हैं जिनके अंदर से लाइट पास कर सकती है और हम उनके अंदर से दूसरी तरफ देख सकते हैं। देखिए, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स लाइक गिलास अलाउ लाइट थ्रू, यानी कि अपने अंदर से ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स लाइट को पास होने देते हैं। लाइक गिलास के फॉर एग्जांपल, जैसे गिलास होता है, शीशा होता है, वो क्या करता है? वो अपने अंदर से लाइट को पास करने देता है। यू कैन सी थ्रू देम, हम उनके अंदर से देख सकते हैं। देखें, ये देखें हमारे पास ट्रांसपेरेंट मटीरियल की एग्जाम्पल, जो हम ग्लासेस लगाते हैं, चश्मा जो हम पहनते हैं, इसके जो शीशे होते हैं उनके अंदर से हम देख सकते हैं ना, इसका मतलब है कि उनके अंदर से लाइट पास कर सकती है, इसलिए हम उनको कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। देखें एग्जांपल, जैसे विंडो, हमारे घरों में या स्कूल्स में जो विंडोज़ लगी होती हैं, हम उनके अंदर से देख सकते हैं ना, इसका क्या मतलब है? वो किस चीज़ से एग्जाम्पल है? ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लास, जैसे हम लोग शीशे का ग्लास लेते हैं, उसके अंदर से हम देख सकते हैं, इसका क्या मतलब है कि उसके अंदर से लाइट पास कर सकती है, तो इसलिए हम उसके अंदर से देख सकते हैं, इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ठीक है, उसके बाद आ जाएँ ओपेक मटेरियल्स पे। ओपेक मटेरियल्स का मतलब गैर शफाफ, यानी कि उनके अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती। लाइक वुड, डू नॉट लेट एनी लाइट थ्रू, कि जैसे वुड होती है, लकड़ी होती है, उसके अंदर से लाइट पास नहीं कर सकती, इसलिए उसके अंदर से हम नहीं देख सकते। यू कैन नॉट सी थ्रू देम, हम उनके अंदर से नहीं देख सकते। जैसे हमारी बुक, ठीक है, बुक जो होती है हमारे पास कौन सी है? ओपेक मटेरियल। क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर से नहीं देख सकते। ठीक है, हमारे पास जो वुड है, प्लास्टिक है, मेटल्स हैं, ये सारे क्या हैं? ओपेक मटेरियल्स की एग्जांपल, क्योंकि हम इनके अंदर से नहीं देख सकते, इनके अंदर लाइट पास नहीं करती। अब ओपेक मटेरियल की कौन सी एग्जांपल हो सकती है? देखें मेटल। ठीक है, मेटल की जितनी भी चीज़ें हैं, मेटल के हमारे पास टॉयज़ होते हैं, मेटल की हमारे पास कार्स होती हैं, हम उनके थ्रू नहीं देख सकते, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? ओपेक मटेरियल्स। ठीक है, अब देखें, जैसे हमारे पास ये रॉक्स हैं, ठीक है, पत्थर, पत्थर क्या है हमारे पास? हमारे पास ओपेक मटेरियल, कि हम इनके अंदर से भी नहीं देख सकते, इनके अंदर से लाइट पास नहीं करती। ठीक है, जैसे हमने रीडिंग के दरमियान में एग्जांपल पढ़ी वुड की, वुड क्या है हमारे पास? ओपेक मटेरियल। अब वुड से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं? वुड से हमारी चेयर्स होती हैं, टेबल्स बनते हैं, डोर्स होते हैं, फर्नीचर होता है घर का, वो सारा कुछ क्या है? ओपेक मटेरियल्स। क्यों? क्योंकि उनके अंदर से लाइट पास नहीं करती, इसलिए हम उनके अंदर से नहीं देख सकते। ठीक है क्लास,
अब आपने इन वर्ड्स मीनिंग को नोट डाउन करना है और बुक रीडिंग को अच्छे से याद करना है, ठीक है। मैं वर्ड्स को दोबारा रिपीट कर देती हूँ। प्रॉपर्टीज़ मतलब खसूसियात, सूटेबल मतलब मौजू, ट्रांसपेरेंट का मतलब शफाफ और ओपेक का मतलब गैर शफाफ, ठीक है क्लास। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।